हेलो गाइस, वेलकम टू पनोरमा लर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तैयारी कैसी चल रही है आपकी यूपी टेट की? उम्मीद कर रहा हूँ कि तैयारी सही चल रही होगी। इससे पहले चार क्लासेस आई थी, उसमें हमने ईवीएस के पोर्शन कवर किए थे, और जो इससे पहले फोर्थ क्लास आई थी उसमें क्विज कराई थी एक। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटी, यानी कि भारतीय संविधान। अभी क्या देखा गया, पिछले एक दो वर्षों से यानी यूपी टेट के एग्ज़ाम में पॉलिटी भी पूछी जाने लगी है। कम से कम 8 नंबर की या फिर 9 नंबर या फिर 10 नंबर की पूछी जाती है पॉलिटी। तो पॉलिटी से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते हैं, लेकिन जो पूछी जाती है उस सब का जिक्र मैंने आज इस वीडियो में किया है और इस पीडीएफ में किया है। ठीक है, तो बिल्कुल भी वीडियो मिस मत करना, पूरी वीडियो देखना। आपकी जो है पॉलिटी में कवर करा दूंगा इसी वीडियो में। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दो अभी, ताकि उन लोगों तक भी पहुँचे जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो जो यूपी टेट में पूछा जाता है वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सारा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बार क्लासेस का शेड्यूल देख लीजिए पनोरमा लर्निंग पे। चाइल्ड साइकोलॉजी की 3 PM आती है मंडे टू फ्राइडे, मैथ्स की भी 11 AM, और EVS की, जैसे कि आज सैटरडे है, 1 बजा हुआ है, तो आज EVS की क्लास है। यानी EVS में सिर्फ ही एनवायरमेंटल साइंस नहीं है, जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या फिर साइंस, पॉलिटी, ये सब भी उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो बेसिकली ये जनरल अवेयरनेस का सब्जेक्ट ही बन जाता है। ठीक है, या फिर जनरल स्टडीज़ का। चलिए, और हिंदी की क्लास ये 1 अगस्त से नहीं है, 10 अगस्त से स्टार्ट होगा। ठीक है, वो भी मंडे टू फ्राइडे 6 बजे आया करेगी क्लास, और इंग्लिश की मंडे टू फ्राइडे 8 AM चल रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो आज की, भारत का संविधान। ठीक है, तो हम भाग से स्टार्ट करेंगे कि भाग एक में, भाग दो में और भाग तीन में, इस तरीके से स्टार्ट करते जाएंगे, और सारे भागों को, जितने भी अनुच्छेद हैं उससे रिलेटेड जो थ्योरी है, कब कब कौन से संविधान संशोधन हुआ, इन सब में जिक्र करेंगे, और जो जो टैट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन उन सबको ज़्यादा डिस्कस करेंगे। पहला है सब भाग एक। भाग एक में क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसमें क्या पूछा जाता है कि भाग एक में क्या गिवन है, कि जो भी हमारे मतलब जो संघ हैं, संघ जैसे कि भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र कितने होंगे, कितने राज्य होंगे और कितने यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश होंगे, जैसे 29 राज्य और 7 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है, अनुच्छेद 1 से 4 में है भाग एक। ठीक है, सिर्फ आपको इसमें क्या याद करना है, भाग एक संघ का नाम और राज्य क्षेत्र किसमें, अनुच्छेद 1 से 4 में। ठीक है, फिर देखते हैं भाग दो। भाग दो में क्या है, नागरिकता का उल्लेख है। ठीक है, जो भारत का नागरिक किस तरीके से उसकी कंडीशंस फुलफिल करेगा, ये सिर्फ इसमें नागरिकता के अंदर आएंगे। तो सिर्फ आपको याद के रखना है अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत, और भाग दो में क्वेश्चन आता है कि कौन से भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो भाग दो में, और अनुच्छेद क्या है, 5 से 11, और हमारे भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, आगे देखते हैं भाग तीन। भाग तीन में क्या है, मूल अधिकार, यानी मूल अधिकार यानी हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार। ठीक है, उन्हें मूल अधिकार भी बोलते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में हमारे मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, और इससे जो मौलिक अधिकारों को, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया यानी अधिकार पत्र भी बोला जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि विच फंडामेंटल राइट और द, हाँ, और कौन से भाग में है वो, तो भाग तीन में अनुच्छेद 12 से 35 और मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, हाँ, और इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, फिर है जो भाग है ये भाग 12 से भाग 35 तक, इसमें कुछ अनुच्छेद हैं, तो जो जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो चीज़ हम याद रखेंगे। स्टार्टिंग होती है अनुच्छेद 14 से, वैसे 12 और 13 से होती है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, उसमें परिभाषाओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 14 से जो इम्पोर्टेंट है ये है विधि के समक्ष समता। समता का अर्थ मैं बताऊंगा अभी, इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा उन कानूनों को। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है समता, और एक होती है समानता। अगर आप टेट लेवल की देखें तो समता और समानता दोनों आपके लिए मतलब सेम होगा, लेकिन अब और थोड़ा हाई लेवल में पढ़ते हैं तो समता और समानता में डिफरेंस है। समानता का अर्थ है कि सबको समान रूप से चीज़ें प्रोवाइड करना, लेकिन समता का अर्थ है कि वही चीज़ें आवश्यकता अनुसार प्रोवाइड करना, सबको नहीं देना, जिसको ज़रूरत है उसको देना वो चीज़। तो ये होती है हमारी समता, और समानता यानी समान रूप से सभी को वो चीज़ बांट देना। तो समझ में आया समता और समानता में क्या फ़र्क है, लेकिन हमें सिर्फ यही देखना अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का उल्लेख है। फिर आता है अनुच्छेद 15, धर्म, मूल, वंश, जाति यानी लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 16 में क्या है, अवसर की समानता, यानी सबको समान रूप से अवसर की समानता मिलेगी बिना किसी जाति और भेदभाव के।
फिर आता है अनुच्छेद 17, ये इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है कि अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत जो होती है उसका अंत है। इसमें जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा उसकी जाति के ऊपर, ठीक है, यानी इसके अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित भी किया जा सकता है, इसमें अंत किया गया उसका अनटचेबिलिटी का। और ये 14 से 18 क्या है हमारे, समता के अधिकार हैं, फिर समानता के अधिकार। फिर आता है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। इसका अर्थ ये है कि भारत सरकार भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर पद्म श्री और भी जो जितने भी सम्मान हैं वो अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं, ठीक है। और इसका अर्थ क्या, उपाधियों का अंत है कि सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी, सिर्फ राष्ट्रपति की आज्ञा से ही कोई उपाधि स्वीकार हो सकती है, ठीक है, और कोई नहीं उपाधियां दे सकता है। समझ में आया अनुच्छेद 18 में क्या, सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि उपाधियों का अंत है। 17 मतलब खतरा, 17 इससे चीज़ से याद रख सकते हैं, 17 मतलब खतरा यानी अनटचेबिलिटी का अंत, जो खतरे का है उसको उन्होंने बहिष्कार किया। चलिए आगे देखते हैं, सिर्फ आपको याद इसमें यही रखने हैं मूल अधिकार कितने हैं। मैग्ना कार्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है 12 से 35 हैं, 14 से 18 समता का अधिकार है। फिर आता है 1922 यानी अनुच्छेद 19 से 20 में किसका अधिकार है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना ही जान लो कि इसमें जो है बोलने की जो स्वतंत्रता होती है उन सब का उल्लेख है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो टेट के नज़रिए से वही देखेंगे। आगे आता है अनुच्छेद 21A, 21A में क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। लेकिन ये आपको देखना है कि अनुच्छेद 21 जो है, 21 को ए को जो है कब जोड़ा गया था, कौन से संविधान संशोधन, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में आर्टिकल 21A को जोड़ा गया था। वो क्या कहता है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। चलिए आगे देखते हैं, फिर आते हैं अनुच्छेद 23 से 24, जो जो बच्चों से रिलेटेड अनुच्छेद है या फिर जो पर्यावरण से रिलेटेड अनुच्छेद है, ठीक है, या फिर जो कृषि संबंधी अनुच्छेद है, वो सब अक्सर टेट में पूछते हैं, तो वो सब मैंने सब इस वीडियो में इंक्लूड किया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 23 से 24 में क्या है, यानी 23 में है मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, यानी मानव जो तस्करी होती है उस पर प्रतिषेध है, वो अगर वो करता हुआ पाता है कोई तो उस पर दंडनीय अपराध होगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिर आता है 24वां, यानी 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों के लिए कारखाने में वो काम नहीं करेंगे, ठीक है, अगर वो करते हुए पाए गए तो उस कारखाने के मालिक यानी जो कंपनी है उसको जो है दंडित किया जाएगा और उसे कंपनी को निरस्त भी किया जा सकता है, ठीक है, ये सब इसके प्रावधान में अनुच्छेद 24 में और 23 में, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 25 से 18 में क्या है, 25 से 18 में है, सिर्फ आपको इतना चीज़ याद रखना है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी सभी धर्म जो है भारत में अपने अपने हिसाब से सब धर्म अपना सकते हैं, किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है कि सिर्फ एक धर्म को फॉलो करें, सब पे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि 25 से 28 के बीच में जो 25, 26, 27 और 28 जो अनुच्छेद है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 29 से 30 में क्या है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप जान लो इसलिए मैं लिख दिए, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है, ठीक है। किसको बोला, कौन से अनुच्छेद को, अक्सर जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो किसको, अनुच्छेद 32 को B.R. अम्बेडकर ने, किसने बोला ये भी आपको याद रखना है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बोला है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है, ठीक है, वो भी देखेंगे आखिर क्यों कहा गया। सबसे पहले ये देख लो कि जो अनुच्छेद 32 है उसमें 5 प्रकार की रिट है, ये जो मैंने सर्कल किया ये 5 प्रकार की रिट है, इन्हें सिर्फ थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में पूछी नहीं जाती, पर हो सकता है कि इसमें डेफिनेशन पूछ ली जाए कभी कभी कि कौन सी रिट होती है। सबसे पहले देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है कि अगर किसी इंसान को अवैध रूप से बंदी बनाया गया है और वो निर्दोष है तो वो जो है न्यायालय में जाके इस बात को अपने आप प्रस्तुत कर सकता है कि वो निर्दोष है, तो उसके लिए ये रिट बनाई गई है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। अब फिर आगे आता है परमादेश, परमादेश का अर्थ क्या है, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है, ठीक है, तो इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पद अधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया जारी किया जा सकता है। जब कोई जो परमादेश का अर्थ है, जब कोई अधिकारी है यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर वो आपके अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उस पर ये रिट जारी की जा सकती है। समझ में आया, बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश। आगे देखते हैं प्रतिषेध लेख, इसमें क्या, यह आज्ञा पत्र है, एक प्रकार का आज्ञा पत्र है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को
जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में यह कार्रवाई न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार पत्र से बाहर है, अधिकार पत्र नहीं अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, तो प्रतिषेध लेख में क्या है, जो उच्च न्यायालय जो है मना कर देते हैं निम्न न्यायालयों से कि जो भी जिस प्रकार का उसमें केस आया तो उस पर वो कार्रवाई नहीं कर सकते, वो उनका अधिकार है उच्च या उच्चतम न्यायालयों का। ठीक है, समझ में आया प्रतिषेध लेख का अर्थ क्या है। फिर आता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या है कि इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। उत्प्रेषण का अर्थ है कि अगर मान लो निम्न न्यायालय में कोई केस सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो वो उच्च न्यायालय में उस केस को भेजा जा सकता है। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं उत्प्रेषण और प्रतिषेध लेख में, समझ में आया। प्रतिषेध लेख में कहता है कि जो उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय है उनके जो कार्यवाही कर रहे हैं जिस केस की, उसमें निम्न न्यायालय अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और उत्प्रेषण में क्या है, जो निम्न न्यायालय है अगर उस पर केस सॉल्व नहीं हो रहा हो पा रहा है तो वो उसका उच्च न्यायालय में उसे फॉरवर्ड कर सकता है। आगे देखते हैं अगला कौन सा है, अधिकार प्रच्छा लेख। अधिकार प्रच्छा लेख में क्या है, अधिकार प्रच्छा लेख है जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगे जिसके रूप में कार्य करने से उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति है लेकिन वो कार्य कर रहा है और उस चीज़ का कार्य करने का उसे अधिकार नहीं है लेकिन फिर भी वो कर रहा है और उसके खिलाफ फिर कार्रवाई करी जा सकती है, तो इसी को हम अधिकार प्रच्छा लेख बोलते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखने कौन कौन से, और अगर डेफिनेशन समझ में आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, फिर इसमें मैंने यहाँ एक नोट डाला हुआ है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार पहले कितने थे, पहले 7 थे लेकिन अब कितने हैं, 6 हैं। तो जो अनुच्छेद 31 में जो अधिकार था हमारा, संपत्ति का अधिकार था, उस पहले वो अनुच्छेद 31 में था लेकिन क्या किया गया, उसे 44वें संशोधन 1978 में उसे हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 का में, यानी ए लिखा है, 9 नहीं है, ए है, में डाल दिया गया और उसे कानून का अधिकार बनाया गया। संपत्ति का अधिकार 1978 से पहले ये मौलिक अधिकार था लेकिन उसे उसके बाद फिर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन में, ये चीज़ आपको याद रखनी है, कौन से में, 44वें संविधान संशोधन 1978 में, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है, 44वें संशोधन 1978 में अनुच्छेद 21 को जो कि संपत्ति का अधिकार था उसे जो है 300 का में डाल दिया गया, 300 ए में डाल दिया गया और उसे कानूनी अधिकार बनाया गया। मौलिक अधिकार पहले 7 थे अब हैं 6, यानी जो अभी के जो अधिकार हैं वो हैं टोटल मौलिक अधिकार 6। ठीक है, समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है भाग 4। भाग 4 में क्या क्या है, जो जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है भाग 4 में और 36 से 51 तक है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये चीज़ आपको याद रखनी है 36 से 51 तक। फिर आता है अनुच्छेद 40, जो इसमें इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं 36 से 51 के बीच में, मैंने उन्हीं का जिक्र किया। जैसे कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन किस प्रकार से किया जाएगा, उसमें अनुच्छेद 40 में उल्लेख है इसका। फिर आता है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। ठीक है, तो 48 में कृषि और पशुपालन और 40 में ग्राम पंचायत, ये चीज़ आपको याद रखनी है, बिल्कुल कंठस्थ कर लेनी है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल शायद पिछले से पिछले साल आया था, उसमें दिया हुआ था कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा कौन से अनुच्छेद में की जाती है, तो उसमें 4 अनुच्छेद दिए होते, तो उसमें टिक हमको किसको लगाना था, अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है कि कौन से अनुच्छेद में, 48 का में। ठीक है, फिर आता है अनुच्छेद 49 में क्या है, यानी 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व यानी स्मारक जो स्थान है उन सबको भी सुरक्षा की जाएगी, वस्तुएं एवं संरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 49 में। आगे देखते हैं, जो हमारे राज्य जो नीति निर्देशक तत्व हैं यानी जो निर्देशक सिद्धांत हैं, इनकी खास बात क्या है, ये चीज़ जान लीजिए कि ये समाज की भलाई के लिए बनाए गए हैं, लेकिन जैसे कि मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण है, उसी प्रकार से ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनको न्यायालय में नहीं भेजा जा सकता। ठीक है, उनको हम भेज सकते हैं, जभी तो उनकी 4-5 रिट थी। ठीक है, जो 5 रिट थी वो न्यायालय में जाके सॉल्व हो रही थी, लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उन सब में जो न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो सिर्फ समाज की भलाई के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, फिर आता है भाग 4 का में, जो भाग 4 है, भाग 4 में तो कौन से है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है और भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य टोटल 11 हैं और ये 51 का में है, यहाँ भाग 4
और यहाँ 51, जैसे 36 से 51 के बीच में तो हमारे नीति निर्देश सिद्धांत है, फिर 51 काम है, क्या है हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। तो मौलिक कर्तव्य जान लीजिए पहले कितने हैं, ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है कि 11 मौलिक कर्तव्य है, जैसे 6 मौलिक अधिकार थे ऐसे ही मौलिक कर्तव्य 11 हैं। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में इनको जोड़ा गया था, इससे पहले मौलिक अधिकार नहीं थे 1976 से पहले, मौलिक नहीं मौलिक कर्तव्य, अधिकार नहीं बोला, अधिकार तो पहले पढ़ चुके हैं, मैं मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहा हूँ, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है वो क्या है, वो इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आप जान लो कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। ठीक है, तो ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये चीज़ आपको याद रखनी है, कौन से, 86वें संविधान संशोधन। अपने नोट्स भी बनाते रहो रेगुलर, जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसे तुरंत लिखो, ठीक है, ताकि आपको याद रहेगी हमेशा। ये वैसे इस वीडियो की PDF भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा कल तक। ठीक है, आगे आता है, ठीक है, समझ में आया मौलिक कर्तव्य कितने हैं, इससे अलग और कुछ नहीं पूछेंगे, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इन कर्तव्य को जोड़ा कब गया था, कौन से संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है हमारा कि 6 से 14 वर्ष हेतु प्राथमिक शिक्षा मिलेगी, वो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर आता है भाग 5। भाग 5 में क्या क्या, अभी तक हमने भाग 1, 2, 3, 4 पढ़े हैं और वो भी इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन जो जो हमारे टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जा सकता है वो सब मैंने कवर करा दी, तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, आगे देखते हैं, भाग 5 में क्या है हमारा, संघ, यानी संघ है, संघ मतलब जैसे हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब सदस्यों के उल्लेख किया गया कि कौन से अनुच्छेद में क्या है, इनका वेतन क्या होगा, इनकी चुनाव प्रक्रिया कैसे होगी, तो वही सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो भाग 5 में 52 से 51 तक है हमारा संघ, यानी संघ की कार्यपालिका, ठीक है, किस तरीके से वर्क करेगी हमारी गवर्नमेंट। सबसे पहले जो आता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 52 में, ये चीज़ आप कंटेस्ट कर लो, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बताऊंगा। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन से नेता को हमें प्रथम नागरिक बोलते हैं, तो राष्ट्रपति को। ठीक है, और इसकी कम से कम न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अनुच्छेद 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित रहेगी। ठीक है, अनुच्छेद 53 में क्या है, 52 में तो राष्ट्रपति का जिक्र है कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति अवश्य होगा, वह प्रथम नागरिक कहलाएगा और उसकी कम से कम उम्र 35 वर्ष होगी। फिर अनुच्छेद 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी। ठीक है, फिर आता है अनुच्छेद 54 में, 54 में क्या है, दूसरे पेज पे चलते हैं, अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी किस तरीके से उसका चुनाव होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव का जो निर्वाचन है वो अनुच्छेद 54 में गिवेन है, इससे ज़्यादा और याद नहीं रखना, सिर्फ इतना ही। और जो है संडे में क्विज भी आएगी, एक जो मेगा क्विज होगी, ठीक है, तो उसमें जो भी क्वेश्चन बच जाएंगे वो सब मैं उसमें कवर करा दूंगा। देखते हैं पहले राष्ट्रपति कौन थे, सबको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कब से कब तक बने थे, 26 जनवरी सन 50 से 13/5 सन 62 तक, ठीक है, सबसे लंबा, हाँ ठीक है। फिर आता है छठे राष्ट्रपति कौन थे, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा गया एग्जाम में, इसलिए मैंने लिखा है, तो नीलम सजीव रेड्डी, ये सबसे कम उम्र के भी थे राष्ट्रपति। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, आगे आता है कि अनुच्छेद 61 यानी 61 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्या है वो अनुच्छेद 61 कि राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग का अर्थ है कि राष्ट्रपति को किस प्रकार से उसे उसके पद से स्थगित यानी उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें उसकी प्रक्रिया लिखी है, आपको सिर्फ याद ये रखना है कि अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति का महाभियोग। ठीक है, और वो संसद के ही हाथ में रहता है, संसद के किसी सदन पर उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है, इसके कारण ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाएंगे, तो सिर्फ आपको यही याद रखनी है कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी उसे उसके पद से उसे हटाया जा सकता है। ये जान लो कि इसका मासिक वेतन क्या है, 5 लाख। फिर आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 72 यानी क्षमादान की शक्ति होती है, किसी भी प्रकार का अगर कोई अपराधी है और राष्ट्रपति चाहता है कि उसे क्षमा मिले, तो अनुच्छेद 72 का प्रयोग करके वो उस व्यक्ति को क्षमा दे सकता है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल में, कभी कभी पूछ लेता इसका आंसर। तो हुआ क्या था कि एक राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह,
उन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। किसके लिए? 1986 में उसका प्रयोग किया था। जेबी वीटो क्या, एक अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। उन्होंने क्या किया था कि भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने कोई निर्णय नहीं दिया था, उनके पास जब वो विधेयक पहुंचा था दोनों सदनों से पास होके, लेकिन उन्होंने उसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया था। तो इसी जो उन्होंने निर्णय नहीं लिया था, उसी निर्णय को प्रयोग किया उसमें उन्होंने जेबी वीटो में। जेबी वीटो क्या, एक तरीके से उनके पास एक अधिकार होता है कि जो भी विधेयक आया तो ऐसा भी प्रयोग है कर सकते हैं कि उन्हें उस विधेयक का कोई जवाब ना दे, तो वो जब ही निरस्त हो जाएगा। ठीक है, तो ज्ञानी जेल सिंह, आपको याद क्या करना है, ज्ञानी जेल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में यूज़ किया था जेबी वीटो को। ज्ञानी जेल सिंह है, और 1986 में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिख दिया था। फिर है डॉक्टर एस राधा कृष्ण, इनके बारे में जान लीजिए कौन थे ये। दो बार राष्ट्रपति बने थे, यानी पहले उपराष्ट्रपति थे ये, दो बार बने, फिर एक बार राष्ट्रपति भी बने हैं। ठीक है, फिर आता है, आप देखते हैं कुछ, अभी तक हमने राष्ट्रपति के बारे में देखा है, वो उपराष्ट्रपति के बारे में ज़्यादा नहीं है लेकिन पढ़ेंगे ज़रूर। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का जिक्र है कि हमारे देश में एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान रहेगा जिसकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होगी, जिस तरीके से राष्ट्रपति की है। पहले कौन थे राष्ट्र जो उपराष्ट्रपति थे, अभी हमने देखा डॉक्टर एस राधाकृष्ण 52 से 62 में वो उपराष्ट्रपति रहे, फिर उसके बाद फिर 62 से 67 वो राष्ट्रपति बने। ठीक है, और 2019 में कौन है आपको पता ही है, एम वेंकैया नायडू। अब देखते हैं, अभी तक हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में जाना। ठीक है, अब प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखते हैं क्या क्या है। प्राइम मिनिस्टर का जो जिक्र है हमारे देश में, एक प्राइम मिनिस्टर होगा वो है अनुच्छेद 74 में जिक्र है। सिर्फ आपको यही चीज़ याद रखनी है कि आर्टिकल 74 में प्राइम मिनिस्टर का प्रावधान है कि हमारे देश में एक प्राइम मिनिस्टर भी होगा। ठीक है, फिर आता है सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, जवाहरलाल नेहरू। आपको पता है 16 साल 9 महीने 12 दिन तक उन्होंने इसका कार्यकाल संभाला था। ठीक है, फिर आया था सबसे छोटा कार्यकाल कौन सा है राष्ट्रपति का, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी, सिर्फ 13 दिन के लिए रहे थे 1996 में। ठीक है, चलिए, वैसे अटल बिहारी वाजपेयी बने हैं राष्ट्रपति, जो उनका पूरा कार्यकाल भी रहा है, लेकिन वो एक बार ऐसे भी रहा है कि सिर्फ 13 दिन में उनकी सरकार गिर गई थी, अगर आपको पता हो तो। इसके ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, सिर्फ इतना जान लो कि सबसे छोटा कार्यकाल जो प्रधानमंत्री का रहा है वो अटल बिहारी वाजपेयी का रहा है। अब देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा गांधी जी, इनकी क्या होती, जब ये पद के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु उनके पद के दौरान हुई थी। ठीक है, और मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने थे, आई थिंक शायद 91 या 92 की एज थी उनकी जब वो एक बार प्रधानमंत्री बने थे, और राजीव गांधी सबसे कम उम्र के थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, देखो उप प्रधानमंत्री का कार्य, अब वो कोई पद नहीं है, उसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री चाहे तो उस चीज़ को उप प्रधानमंत्री को नियुक्ति कर सकता है अपने अकॉर्डिंगली, अगर उसके रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और आखिरी कौन से रहे, लाल कृष्ण आडवाणी। अगर आपको पता है, वैसे मैं बता देता हूँ, लाल कृष्ण आडवाणी सन 2002 से 2004 के बीच में उप प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन उसके बाद से अब तक 2019 तक कोई पद नहीं है उप प्रधानमंत्री का। ठीक है, समझ में आया इसके बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में। अब देखते हैं आगे, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में जानेंगे। देखो, जो ये चीज़ मैंने लाइन लिखी, जो सर्कल कर रहा हूँ, इसमें कम से कम 7 क्वेश्चन छिपे हुए हैं इसी सर्कल के अंदर, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। देखो कैसे, कि सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, तो 81 में, अनुच्छेद 80 में। ठीक है, फिर क्वेश्चन आएगा कि राज्यसभा को कौन सा सदन बोला जाता है, उच्च, निम्न या कोई भी नहीं, तो उच्च सदन बोला जाता है। फिर क्वेश्चन आएगा कि राज्यसभा में का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो कौन सा क्वेश्चन आएगा, 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। फिर ये कौन सा सदन होता है, क्या इसे भंग किया जा सकता है या स्थायी होता है, अस्थायी होता है, तो स्थायी सदन भी होता है। फिर सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, फिर नीचे मैंने ये भी चीज़ लिखी हुई है, अगर आप इसे ध्यान से देखो, कि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं। तो इस वाले सिर्फ इतनी लाइन से कम 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं राज्यसभा के। चलिए आगे देखते हैं, फिर है राज्यसभा की फिलहाल जो हमारी 2019 में कितनी सीटें हैं, तो 245 हैं। ये जान लो कि अपने आसपास के इलाके में, क्योंकि हम यूपी में रह रहे हैं और हमारे आसपास दिल्ली NCR का एरिया, तो दिल्ली में 3 सीटें हैं और यूपी में 31 सीटें हैं राज्यसभा की। अधिक से अधिक संख्या 250 होनी चाहिए, कम से कम 4-5 लाइन में आपके 10 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं अगर राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो। फिर आता है
हाँ दिल्ली जितने भी हमारे केंद्र प्रशासित जो शहर हैं, यानी जो प्रदेश हैं, सॉरी शहर नहीं प्रदेश होंगे, उनमें से सिर्फ दो में राज्यसभा की सीटें, दिल्ली में 3 सीटें और पांडुचेरी में 7 सीटें, एक सीट है सॉरी, एक सीट जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एक सीट है ठीक है, और किसी भी यूनियन टेरेटरी में सीट नहीं है राज्यसभा की। तो आपको ये भी याद रखना है कि दिल्ली में 3 है, पांडुचेरी में 1 है, ज़्यादा से ज़्यादा 250 हो सकती हैं पूरे 29 राज्यों में ठीक है। फिर आता है कुछ इंपॉर्टेंट लाइन, मतलब वन लाइनर्स हैं, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे, तो श्री SV कृष्ण मूर्ति राव ठीक है, प्रथम उपसभापति पूछ रहा है, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति। अब देखते हैं भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ठीक है, समझ में आया। फिर आगे देखते हैं, अभी अब देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, उपराष्ट्रपति जो वेंकैया नायडू हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होंगे ठीक है। फिर क्या होता है कि 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यानी राज्यसभा में जो टोटल जो होते हैं, जैसे 245 लिखा था, तो उनमें से 12 सदस्य कौन से थे जिन्हें सिर्फ राष्ट्रपति मनोनीत करता है ठीक है। और आगे देखते हैं, और डिटेल में पढ़ते हैं कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे कि राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री भी बने, जो राज्यसभा के सदस्य रहे और प्रधानमंत्री भी बने, तो पहली थी इंदिरा गांधी जो 1966 से 1967 में रही थी प्रधानमंत्री ठीक है, राज्यसभा की सदस्य रही थी, नॉर्मली होता नहीं है वो, सब लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन ये 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे, HD देवगौड़ा, IK गुजराल और डॉक्टर मनमोहन, नहीं है मनमोहन सिंह है, जो 2004 से 2014 के बीच में, आपको पता होगा। तो ये 4 ऐसे प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा के सदस्य थे ठीक है। आगे देखते हैं, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी सबसे पहली बैठक कब हुई थी, तो 1952 में हुई थी राज्यसभा की पहली बैठक ठीक है, राज्यसभा की पहली बैठक। क्वेश्चन आता है कि कौन से वर्ष में हुई थी, तो इस तरीके से गिविन होता है 50 51, 1950, 1951, 52 या फिर 53, तो राज्यसभा की 1952 है ठीक है। फिर देखते हैं लोकसभा के बारे में, तो जैसे राज्यसभा 80 में गिविन थी, लोकसभा कौन से में गिविन है, 81 में, अनुच्छेद 81 में लोकसभा गिविन है। लेकिन जैसे राज्यसभा का जो न्यूनतम सदस्य बनने के लिए 35 वर्ष, 30 वर्ष होती है, 35 वर्ष राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए जैसे इसमें रहती है, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी है, 25 वर्ष होगी ठीक है। अधिकतम संख्या 552 है और वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी है, 545 यानी 545, इसे क्या बोलते हैं, प्रथम या फिर निम्न सदन, और इसे भंग भी किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को नहीं, तो ये निम्न सदन है, जैसे राज्यसभा उच्च सदन थी ये निम्न सदन है। यूपी में 80 सीटें हैं और दिल्ली में 7 सीटें हैं ठीक है। अब थोड़ा और इम्पोर्टेंट जान लो कि जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि कौन से संविधान संशोधन में 18 वर्ष के इंसान वेशक माना जाएगा, जो कि पहले 21 वर्ष का था, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 में 18 वर्ष का मनुष्य या इंसान, यानी उसे अडल्ट एज में माना जाएगा, वो कब माना गया था, 1989 में, इससे पहले वो 21 वर्ष था ठीक है। तो मतलब वोट देने का अधिकार भी बदल गया था ठीक है। आगे देखते हैं, तो जैसे राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था, इसी तरीके से लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का होगा। फिर होता है कि लोकसभा की दो बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है कि कितने माह तक अंतर नहीं होना चाहिए, तो 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। फिर आता है कि प्रथम लोकसभा कब से कब हुई थी, तो ये 1952 से 1957 में ठीक है, जो गठित हुई थी पहली लोकसभा, तो 1952 से 57 में थी। फिर आता है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, GV मावलंकर ठीक है, मावलंकर, लंकार नहीं मावलंकर, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर, और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे लोकसभा के, अनंत श्याम अयंगर ठीक है, ये दो ना आ रहे हैं इसमें, एक ही ना होगा, अयंत श्यानम अयंगर ठीक है। आगे देखते हैं, फिर आता है हमारे कि न्यायालयों में कौन कौन से होंगे, एक मिनट रुकिए, शायद एक पेज रह गया, एक मिनट। अब देखते हैं आगे कुछ संसद भवन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखो संसद भवन किस प्रकार की आकृति है, उसकी वृत्ताकार भवन है वो ठीक है। फिर इसका सिर्फ हमें ये देखना है कि डिजाइन किसने किया था, सर एडविन लुटियंस और सर हैबर्ट ने, ब्रेकर ने 1912 और 13 में किया था। तो आपको सिर्फ इतना चीज़ जानना है कि संसद भवन का जो आकार कैसा है वो वृत्ताकार है, डिजाइन जो है दो इन्होंने दिया था, ब्रिटिशर्स ने, सर एडविन लुटियंस और सर हैबर्ट ब्रेकर ने, कब दिया था, 1912 और 13 में ठीक है।
फिर आगे देखते हैं, अब भारत का महान्यायवादी, इसके बारे में जानते हैं कि कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, यानी अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी का उल्लेख है। लेकिन ये जान लो, न तो ये किसी सदन का सदस्य होता है, ना राज्यसभा, ना लोकसभा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और ना ही वोट दे सकता है। ये चीज़ लिखी है अनुच्छेद 88 में। इतना सिर्फ इतना याद रखो कि भारत का महान्यायवादी ना किसी सदन का सदस्य है, ना ही ये वोट दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में देखेंगे नहीं, बहुत है इसमें पॉलिटी में भी जो इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये कौन से अनुलेख में है, जो CAG बोलते हैं जिसे, ठीक है, वो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151 में, 6 वर्ष की पदावधि या फिर 65 वर्ष की आयु। सिर्फ इसमें इतना जान लो कि इसकी जो कार्यकाल रहेगा, या तो वो 6 वर्ष का रहेगा, या फिर अगर उसने 65 वर्ष की आयु तक उसने आयु हो चुकी है उसके बाद की है तो वो रिटायर हो जाएगा। ठीक है, 65 वर्ष की आयु तक ही वो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रहेगा। कौन से अनुच्छेद में गिवेन है, अनुच्छेद 148 से 151 में। ठीक है, 151 आ गया लास्ट, मतलब 151 है ये, 52 से 151 के बीच में संघ की कार्यपालिका, यानी सब कुछ उसमें निहित थी, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत का महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये सब क्या थे, 52 से 151 के बीच में थे। ठीक है, आगे देखते हैं, अब हम कुछ न्यायालयों के बारे में पढ़े, यानी कोर्ट्स के बारे में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट्स अनुच्छेद 124 में इनका उल्लेख है, जो कि दिल्ली में स्थित है, ये आपको पता होगा। इसका एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। रिटायरमेंट एज जान लो 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो रिटायरमेंट एज होगी वो 65 वर्ष होगी। आगे देखते हैं, सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले कौन है, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। ठीक है, ये 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक, इसका मतलब जो ये चंद्रचूड़ थे, इन्होंने 2696 है ये, यानी 2696 दिनों तक मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैं लिखा नहीं, लेकिन फिर भी जान लो कि 2696 दिनों तक इन्होंने अपना पद संभाला था। उसके बाद देखते हैं, सबसे कम समय तक किसने किया है, जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं वो हैं कमल नारायण सिंह। ठीक है, सिर्फ 17 दिन के लिए। इसके बाद है PIL। PIL की फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन आप ज़रूर लिख लीजिएगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, ये क्या है, जो पब्लिक राइट्स होते हैं उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए एक याचिका दायर की जाती है उसमें, कोर्ट्स में। तो सिर्फ इतना जान लो, लेकिन ये जानो कि PIL जब आया था, आई थिंक 1979, या फिर अगर आपको पता हो तो बेटर बताना, उस वक्त जो मुख्य न्यायाधीश थे वो PN भगवती थे। इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि जो जो न्यायाधीश है, यानी कि जो ये उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इनकी योग्यता क्या है। कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो उच्च न्यायालय में, यानी हाई कोर्ट में, कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या फिर 10 वर्ष तक न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। किसकी कंडीशन बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, अब देखते हैं आगे हाई कोर्ट्स के बारे में। उच्च न्यायालय, देखो उच्चतम न्यायालय में किसका उल्लेख था, 124 में, अभी बताया था ना, देखो 124 में, ऊपर ले जाता हूँ PDF को, 124 में ये लिखा, आपको याद कराने की ट्रिक बता रहा हूँ। उच्चतम न्यायालय जैसे 124 है, और जो उच्च न्यायालय में क्या है, 214, यानी दोनों में 21, एक में 214 आ रहा है, एक में 124 आ रहा है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सिर्फ उच्च न्यायालय में 214 है अनुच्छेद और उसमें 124 है। ठीक है, लेकिन दोनों में 1, 2, 4 आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, वर्तमान में हाई कोर्ट कितने हैं, 24 हैं, और 25वां आंध्र प्रदेश के अमरावती में खोला जाएगा। पता नहीं खोल दिया गया है, नहीं अभी नहीं खोला गया, लेकिन उसमें प्रस्तावित है। आगे आता है, केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है, यानी दिल्ली में उच्चतम न्यायालय भी है और उच्च न्यायालय भी है। और क्यों, क्योंकि केंद्र प्रशासित प्रदेशों में, सिर्फ इतना जान लो कि जो दिल्ली एक केंद्र प्रशासित प्रदेश है, सिर्फ उसमें ही है उच्च न्यायालय, और किसी जो 7 यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें से किसी में नहीं है। ठीक है, सिर्फ दिल्ली को छोड़ के, दिल्ली में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों हैं। आगे देखते हैं, अब इसकी योग्यता क्या क्या है हाई कोर्ट के न्यायाधीश की। कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर धारण किया हो, कम से कम 10 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद, या फिर किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि इसकी रिटायरमेंट एज कितनी, यानी कितनी एज पर रिटायर होगा, यानी कि 62 वर्ष, उसमें क्या थी, 65 वर्ष सुप्रीम कोर्ट के लिए। आगे देखते हैं,
अब है थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब राज्यपाल, यानी अभी तक हमने संघ के बारे में पढ़ा था, यानी जो केंद्र में जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब चीज़। अब हम स्टेट में आ जाते हैं। स्टेट में क्या है, राज्य का राज्यपाल होगा, वो कौन से अनुच्छेद में लिखा है, 153, 153 अनुच्छेद में ये लिखा है कि अगर कोई राज्य गठित होगा तो उसमें एक राज्यपाल जरूर होगा, यानी कि गवर्नर, और उसकी कम से कम यानी न्यूनतम उम्र कितनी होगी, 35 वर्ष होगी। अब देखो आगे चलते हैं, विधान परिषद वाले कुछ राज्य हैं, ये चीज़ आपको पता होगी। देखो विधान परिषद होता है एक विधान, जैसे लोकसभा और राज्यसभा होते हैं ना, ऐसी एक विधान परिषद होती है और एक विधानसभा होती है, इसमें भी ऐसे ही होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद उच्च सदन, जैसे राज्यसभा उच्च सदन होता है ना, इसी तरीके से इसमें विधान परिषद होती है, उसमें लोकसभा निम्न सदन होता है, और इसमें स्टेट में क्या होता है बताइए। हाँ बिल्कुल सही, यानी कि विधानसभा निम्न सदन होगा, तो विधान परिषद जो है उच्च सदन कहलाता है, और इसमें सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है ये कौन कौन से स्टेट्स में है विधान परिषद, ये गिने चुने यानी कि 7 राज्यों में है, यूपी, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। मैं इसकी ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, ट्रिक आपको नेट पे हर जगह मिल जाएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ ट्रिक से याद करी जाए, कुछ चीज़ अच्छे से याद भी समझ के भी करनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और इसका कार्यकाल जान लो, जिस तरीके से राज्यसभा का कार्यकाल है 6 वर्ष का, इसी तरीके से विधान परिषद का भी 6 वर्ष का ही होता है, ठीक है। तो समझ में थोड़ा आप लिंकअप कर पा रहे हो गए ना कि किस तरीके से संघ में कार्यपालिका चलती है और किस तरीके से हमारे स्टेट्स में कार्यपालिका चलती है। चलिए आगे देखते हैं, विधानसभा का जिक्र है, विधानसभा के बारे में जानते हैं। विधानसभा जैसे उसमें लोकसभा होता है, इसी तरीके से इसमें विधानसभा यानी निम्न सदन, 5 वर्ष इसका कार्यकाल, लोकसभा में भी 5 वर्ष का ही होता है, और न्यूनतम आयु 25 वर्ष, जिस तरीके से प्रधानमंत्री बनने के लिए भी 25 वर्ष होती है, ठीक है। तो विधानसभा में जो भी सदस्य होगा उसमें भी 25 वर्ष होगी। यूपी में जान लो 403 विधानसभा की सीटें और 99 विधान परिषद की सीटें हैं। विधान मतलब दिल्ली में 70 हैं विधानसभा की सीटें और पांडेचेरी में 30 हैं, सिर्फ इतना जानना इसमें और ज़्यादा डिटेल में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, और अब आता है कुछ सूची, यानी सूचियों के बारे में जानते हैं, क्या क्या होती हैं सूचियाँ। संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है, समवर्ती सूची होती है। अभी आने अभी इसी वीडियो में सब कुछ पढ़ेंगे हम कि कितने प्रकार की यानी कितनी अनुसूचियाँ हैं या फिर सूचियाँ हैं या फिर और भी मतलब संविधान के स्रोत कौन कौन से, कौन से देश से हमारे में जो संविधान का लिया गया है, ठीक है, सब पढ़ेंगे अभी आगे। पहले देखते हैं संविधान सूची में, कुल विषय इसमें 100 हैं, ठीक है, और 97 इसमें क्या थे, स्टार्टिंग में थे। फिर है राज्य सूची में 61 हैं अभी इस समय में, और मूलतः यानी स्टार्टिंग कितने थे, होने कितने चाहिए या थे 66। इसी तरीके से इसमें इस समय 52 हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है, जब दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके कोई विधेयक या फिर संविधान या फिर कोई भी नियम कानून बनाए जाते हैं तो सब समवर्ती सूची में आते हैं। संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है, राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार करेगी, समवर्ती सूची में दोनों करेंगी, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन से में कौन सी सूची में कितने विषय हैं। तो फिलहाल का पूछा जाता है यानी इसी समय का, 100, 61 और 52, ये चीज़ याद रखनी है। फिर आता है संघ सूची में कौन कौन से मामले आते हैं, रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय जल संधि, सीमा, ये सब आते हैं हमारे संघ में। फिर आता है राज्य सूची यानी कि कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, पुलिस, स्थानीय प्रशासन इत्यादि, ये सब हमारे राज्य सूची में। फिर आगे है जो हमारा समवर्ती सूची में क्या है, देखो ये चीज़ याद रखनी है समवर्ती सूची में कि शिक्षा, शिक्षा भी हमारी समवर्ती सूची में आती है, ठीक है। अभी हम ये देखेंगे कि जो शिक्षा जो समवर्ती सूची में कब जोड़ा गया था, कौन से संविधान संशोधन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा है, यह आता भी अक्सर एग्जाम में कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवहन नियोजन, बाट व माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा, इन सबको समवर्ती सूची में डाला गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि शिक्षा को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में समवर्ती सूची में इंक्लूड किया गया था। अब देखते हैं आगे, सरकारी आयोग या फिर सरकारी कमीशन, सिर्फ इसमें इतना जान लो सरकारी आयोग में कि इसके जी किससे संबंधित है और कौन से इसके वर्ष में इसकी स्थापना की गई थी, तो ये केंद्र और राज्यों से संबंधित, यानी क्वेश्चन आता है कि सरकारी आयोग कौन से पक्षों से संबंधित है, तो केंद्र राज्य संबंधित है, ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है, ये सिर्फ इसमें इतना ही जानना है आपको, सरकारी आयोग सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंधित है। अब देखते हैं नीति आयोग, नीति आयोग जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त 2014 को पीएम द्वारा संबोधित किया गया था,
ठीक है, योजना आयोग समाप्त कर दिया गया था 15 अगस्त 2014 को पीएम द्वारा लाल किले पर, जब वो 15 अगस्त के दिन ये चीज़ संबोधित की गई थी। अब ये जान लो कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फुल फॉर्म क्या है इसकी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, डेफिनेशन आ सकती है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है जो नीति आयोग है, ये थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। ठीक है, ये क्या होगा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला, यानी प्रधानमंत्री इसमें अध्यक्ष होगा, और यह सरकार को थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा, और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण कार्य करने वाली संस्था की भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो आपको याद क्या करना है इसमें, नीति आयोग की संरचना, यानी अध्यक्ष कौन है, मोदी जी थे, अभी भी हैं, थे नहीं हैं, उपाध्यक्ष कौन थे इसके, राजीव कुमार, ठीक है, अभी भी हैं जो फिलहाल में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है इसके, अभी अमिताभ कांत, और सबसे पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री जी थे, और नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, अरविंद पनगढ़िया, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है वित्त आयोग, वित्त आयोग के बारे में जानेंगे। अब देखते हैं वित्त आयोग का उल्लेख जो है अनुच्छेद 280 में है, मैंने जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उन्हीं को इंक्लूड किया है। पहला वित्त आयोग, ये जान लो कि सन 1951 में आया था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे, और 52 से 57 के बीच में रहे थे, ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है। फिर है, मैंने दो चीज़ लिखा है इसमें, 15वें और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो YV रेड्डी हैं, जो 2015 से 20 तक रहेंगे, इसमें नियुक्ति पहले ही हो जाती है, तो नियुक्ति इनकी होगी तो 2013 में, और इनको जो कार्यभार मिलेगा वो 2015 से जो मिल चुका है, अभी भी चल रहा है, 2020 तक चलेगा, और इसके बाद जो 15वें वित्त आयोग होगा उसके अध्यक्ष कौन होंगे, NK सिंह, वो 2020 से 25 के बीच में होगा, तो इन्हें नियुक्ति मिल जाती है पहले से ही, ठीक है, लेकिन ड्यूटी बाद में लगती है। तो इनकी नियुक्ति 2017 में हो गई थी, लेकिन अभी जो जो काम करेंगे वो 2020 से 25 के बीच में, अभी कौन कर रहा है, 14वें है वो YV रेड्डी। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के नज़रिए से आता है, निर्वाचन आयोग, यानी कौन से अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, 324 से 329। आगे आता है मुख्य चुनाव आयुक्त, 23वें कौन थे और 23वें जो अब हैं और 22वें कौन थे, जो अभी बने थे फिलहाल में सुनील अरोड़ा जी हैं, और 22वें जो इनसे पहले थे, सुनील अरोड़ा से पहले ओपी रावत थे। इनकी जो उम्र होती है, जो कार्यकाल होता है इनका, 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु हो जानी चाहिए, तो वो रिटायर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में क्या है, ईवीएम की फुल फॉर्म यही है, जिस पर हमेशा झगड़े होते हैं, जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो कहती हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है रूलिंग पार्टी से। ठीक है, जो अभी फिलहाल आपने सुनने में आ रहा होगा, तो देखते हैं इसके बारे में फुल फॉर्म क्या, और सबसे पहले कहां लागू करी गई थी। तो सबसे पहले केरल के पारूर में 1982 में पहली बार प्रयोग किया गया था, केवल 50 बूथों पर। जो सबसे, अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले प्रयोग किया गया था, अगर उसमें केरल ऑप्शन है तो आपको केरल लगाना है, लेकिन अगर पूछा गया है कि पूरा चुनाव जो कराया गया था, तो 1999 में गोवा में कराया गया था, ये चीज़ आपको याद रखनी है, 1999 में गोवा में पूरा चुनाव ईवीएम के बेसिस पर कराया था। चलिए आगे देखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट लाइन थी इसलिए मैंने लिख दिया कि मतदाता का फ़ोटो, 1993 से पहले जो वोटर आईडी होती थी उसमें मतदाता का फ़ोटो नहीं होता था, सिर्फ उसके नाम, एड्रेस, माता पिता, जिसका भी नाम हो, लेकिन फ़ोटो नहीं होता था, लेकिन 1993 के बाद मतदाता का फ़ोटो भी उसमें पहचान पत्र में आने लगा। ठीक है, ताकि कोई गड़बड़ी ना होता, कि किसी और की वोट कोई और ना डाले। ठीक है, तो कई बार गड़बड़ी होती थी, इसलिए फ़ोटो का भी प्रावधान 1993 से आने लगा। आगे देखते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता क्रम, जो इसका लिखने का पर्पस यही है कि सबसे पहले राष्ट्रपति अगर वरीयता क्रम में रखा जाए तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और मैंने लिखा है, लेकिन जो जरूरी लिखा है मैंने वो है 7वें नंबर पे, जो 7 का है कि भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता क्रम दी जाती है, यानी कोई और पुरस्कार नहीं है जिसको इसमें वरीयता दी जाती है, सिर्फ भारत रत्न में दी जाती है, कि उसमें जिसे भारत रत्न मिला है तो वो मुख्य न्यायाधीश, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, उसके बाद उस लाइन में खड़ा होगा। ठीक है, उससे नीचे आएंगे और जो भी पद बचे हैं, सरकारी पद भी हैं, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा एकमात्र पुरस्कार है जिसको भारत की राज्य व्यवस्था में वरीयता क्रम में रखा जाता है। आगे देखते हैं परिसीमन आयोग,
इसमें ज़्यादा नहीं जानना, सिर्फ परिसीमन आयोग ये देखना है कि अनुच्छेद 82 में इसका उल्लेख है, पहला 52 में आया था और आखिरी 2002 में आया था, चौथा और आखिरी 52 में पहला और चौथा और आखिरी 2002 में, सिर्फ इसमें इतना ही जानना है। आगे देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि राजभाषा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया और कौन से भाग में किया गया। तो भाग 17 में राजभाषा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है, सिर्फ वो हाँ राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, तो वो 343 से 351 में इसका उल्लेख है, भाग 17 है, और हिंदी है हमारी राजभाषा। टोटल भाषाएं जो हैं हमारी 22 भाषाएं हैं, ठीक है। फिर आगे आता है कि कौन सी भाषा कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई, तो आपको पता होना चाहिए। तो 1967 में 21वें संविधान संशोधन 21वें में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। फिर आता है आगे 1992 में 71वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, मणिपुर कोंकणी नेपाली, इसकी एक ट्रिक है, नमक, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी, ठीक है, तो नमक से आप याद रख सकते हैं कि 92 में तीन भाषाएं थी जिनको ट्रिक से हम नमक से याद रख सकते हैं। फिर आता है 2003 में 92 में कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया था, तो पहली कौन सी थी, मैथिली, फिर संथली, फिर कौन सी थी, डोगरी, और फिर नमक नहीं बोडो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब, तो ये आपको चीज़ याद रखने वाली क्या बात है इसमें कि अनुच्छेद 343 से 351 यानी भाग 17 में इस चीज़ का उल्लेख है, 22 भाषाएं हैं अभी तक टोटल कुल। अगर आपको पता है कि संविधान के जब स्टार्टिंग में कितनी भाषाएं, तो आप ज़रूर लिख के बताना है अगर आपने वीडियो देखी है यहाँ तक, ठीक है। फिर आता है राष्ट्रीय आपात उपबंध क्या है, ये यानी कि आपातकालीन से आपात से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, ये चीज़ जान लो कि राष्ट्रीय आपात का उल्लेख 352 में है, 352 से 60 के बीच में, 352 से 360 के बीच में राष्ट्रीय आपात ही हैं सारे, लेकिन सब याद नहीं करने, इंपॉर्टेंट याद करने हैं कि राष्ट्रीय आपात 352 में उल्लेख है और तीन बार लग चुका है अभी तक हमारे देश में। राष्ट्रपति शासन 356 में है कि जब किसी भी स्टेट का जो वर्किंग है यानी शासन फेल हो जाता है या फिर उसमें कोई मुख्यमंत्री नहीं रहता या कोई भी सरकार नहीं चल रही होती, उसमें तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है, 356 में उसका उल्लेख है, और सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में लगा रहता है ये हमेशा, ठीक है। वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो किसमें, अनुच्छेद 360 में उल्लेख है, तो 52, 56 और 60, वित्तीय आपात 360, राष्ट्रीय आपात 356 और राष्ट्रपति शासन 56 है, राष्ट्रीय आपात 52 है, जो कि तीन बार लगा है। आगे देखते हैं कुछ और हैं राष्ट्रीय आपात से रिलेटेड उल्लेख, तो अनुच्छेद 358 और 359 में आप डिफरेंस जान लो कि क्या है, कि 358 में जो लिखा हुआ है वो लिखा है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 19 के जो अधिकार है वो पूर्ण रूप से निलंबित किए जाते हैं जब कोई राष्ट्रीय आपात होती है या फिर कोई भी किसी प्रकार का वित्तीय आपात हो या फिर कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है। तो 358 के अनुच्छेद के अनुसार आर्टिकल 19 में क्या है, हमारा बोलने की जो स्वतंत्रता वो ख़त्म कर दी जाती है, लेकिन आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग इसके अंतर्गत सभी मूल अधिकार आते हैं, लेकिन 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकता कोई भी, ठीक है, ये चीज़ अधिकार हमारे बचे रहते हैं, ठीक है। 20 और 21 मैंने बताया है इसमें, 20 और 21 के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो अभी बता देता हूँ मैं फिर से। अनुच्छेद 20 में क्या है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध के संरक्षण, यानी किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सज़ा मिलेगी, तो ये वाला जो है राष्ट्र आपातकाल के दौरान ये भंग नहीं किए जाते, निलंबित नहीं करते। और ऐसी अनुच्छेद 21 है, उसमें क्या है, प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब देखते हैं कुछ अधिकारी यानी कुछ नेता हैं, जैसे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, ये किसको शपथ देते हैं और किसको त्याग पत्र देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, पहले यहाँ पद लिखा है, शपथ लिखी है और त्याग पत्र। देखिए सबसे पहले राष्ट्रपति किसको शपथ देता है, देखो राष्ट्रपति सभी को शपथ दिलाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति भी किसी को शपथ देता है तो वो है हमारा मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अगर वो उसे त्याग पत्र देना होगा तो वो अपने उपराष्ट्रपति को देगा, यानी अपने नीचे वाले पद को देगा जो उपराष्ट्रपति है। फिर आता है उपराष्ट्रपति को कौन पद दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा, और राष्ट्रपति को ही वो त्याग पत्र देगा, ठीक है। फिर आता है राज्यपाल, जिस तरीके से राष्ट्रपति संघ में यानी जो संघ की कार्यपालिका होती है उसमें मुख्य न्यायाधीश होता है, उसको अपना शपथ देता है, इसी तरीके से राज्यपाल जो कि हमारा स्टेट में है वो अपने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा
उससे शपथ, वो उसको शपथ दिलाएगा, ठीक है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो आपको दोनों चीज़ें लिंक करके चलनी है, केंद्र में भी और राज्य में भी, ठीक है। और अगर त्यागपत्र देना होगा तो राज्यपाल भी त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देगा। मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, ये सब क्या करते हैं? राष्ट्रपति इन्हें शपथ दिलाता है, और अगर इन्हें त्यागपत्र देना तो भी इन्हें राष्ट्रपति को देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोकसभा को अध्यक्ष जो है उसको शपथ कौन दिलाता है? उसकी शपथ होती ही नहीं है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कई बार ऑप्शन में आ जाएगा कि ये शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, प्रधानमंत्री दिलाता है, और पता चला कि उसकी शपथ होती नहीं है, ठीक है। तो और लेकिन अगर उसे अपना त्यागपत्र देना हो तो उपाध्यक्ष को देता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है कुछ बहुत मोस्ट कॉमन सी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, मे भी आप भूल जाते हो कई बार, लेकिन याद रखनी है। भारत के राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्र प्रतीक सारनाथ का स्थित अशोक स्तंभ है, जैसे कि आप सब जानते हो। उसमें क्या है, उसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और कहाँ से लिया गया है? ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उसका शब्द लिया गया है सत्यमेव जयते। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सत्यमेव जयते को कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। अब कुछ अपने झंडे के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय झंडा कौन सा कलर है, कितनी लंबाई चौड़ाई है, और कब अपनाया गया था, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम राष्ट्रीय ध्वज। सबसे पहले देखते हैं इसके जो बीच में जो सर्कल है इसमें 24 तिल्लियाँ होती है। ऊपर वाला जो हिस्सा ये केसरिया, बीच वाला सफ़ेद, और फिर गहरा रंग, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। अब ये देखते हैं कि कब अपनाया गया था। देखिए यहाँ पर जो गलत लिखा हुआ है, ये मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ 22 होना था ना, 22 जुलाई याद था, लेकिन लिखते वक्त गलती हो गई। तो ये चीज़ आपको याद रखनी कि 22 जुलाई 1947 को, ना कि 24 जुलाई। तो एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था हमारे देश में। 22 जुलाई 1947, ठीक है, 22 जुलाई 1947, ये 24 नहीं है, सभी लोग सुन लें कि 22 जुलाई है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, लंबाई और चौड़ाई 3:2। फिर है अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अनुच्छेद 19(1)(a) के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मौलिक अधिकार होगा या फिर मूल अधिकार होगा, ठीक है। अगर आपसे बोलते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराइए तो आप उन्हें मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारे मौलिक अधिकारों में इंक्लूडेड है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट, अगर इनमें से किसी का निधन हो जाता है तो 12 दिन के लिए झंडा झुका दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पूर्व राष्ट्रपति जो बन चुके हैं, या फिर पूर्व प्रधानमंत्री या फिर पूर्व राष्ट्रपति, अगर उनका निधन होता है तो सिर्फ 7 दिन के लिए। जो भी करंट में अगर उनका निधन होता है तो 12 दिन के लिए, और जो पहले के जो बन चुके हैं और उनका निधन हुआ है तो 7 दिन के लिए झंडा को झुका दिया जाता है। आगे देखते हैं कि झंडा गीत, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये किसने इसकी रचना की है? तो कौन है? श्याम लाल प्रसाद गुप्ता। और सबसे पहले कब गाया था? 14 अगस्त 1947 को। झंडा गीत, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है। फिर आता है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान के बारे में कुछ जान लें। जनगण मन होती है, आपको पता है, कब स्वीकारा गया था? 24 जनवरी 1950 को, 52 सेकंड का होता है। सबसे पहले कब गाया गया था ये भी जान लो, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन था, पहली बार गाया गया था 1911 में कलकत्ता अधिवेशन था। और इस वक्त जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये थे पंडित विश्वन नारायण दत्त, ठीक है। तो मैंने लिखा नहीं है लेकिन फिर भी ऐसे जान लो। और किसने रचित किया है, किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर, ठाकुर ने, ठीक है। फिर आता है राष्ट्रगीत। जैसे आपको पता है वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, कहाँ से लिया गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को, इसे 26 लिखा, 26 जनवरी 1950 को स्वीकार गया था। सबसे पहले 1896 में गाया गया था ये, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और उस वक्त जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला याशयानी, ठीक है। और इसकी ये देख लो अवधि कितनी है, 1:05, इसका मतलब 65 सेकंड तक की, ठीक है। अब और जान लेते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है, आपको पता है इसका पहला महीना चैत्र होता है, ठीक है। अगर हमें शक संवत के बारे में पता लगाना है, अगर आपको पता है तो कमेंट में लिख के जरूर बताना कि अब कौन सा संवत चल रहा है, ठीक है। नहीं तो मैं जरूर बताऊंगा कमेंट, अगर आपने बताया तो वेल एंड गुड, नहीं फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, कि अभी कौन सा चल रहा है। जैसे 2019 जो है वो तो ग्रीगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है, लेकिन हमारे जो कैलेंडर है खुद के जो संवत है उसके अकॉर्डिंग कौन सा ईयर चल रहा है? आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पुष्प, ये आपको पता होगा लेकिन ये याद रखना है इसका साइंटिफिक नेम क्या है। कमल सबको जानते हैं, नीलुम्बो नुसीफेरा, पक्षी मयूर है, इसकी मैंने साइंटिफिक नेम है, ये जरूर याद कर लेना, ठीक है। मैं इसे रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि ये लिखा हुआ है। राष्ट्रीय नदी कौन सी? गंगा, ये जान लो कि 2008 से इसे घोषित किया गया था राष्ट्रीय नदी। जलीय जीव था गंगा डॉल्फिन, 2009 से इसे घोषित किया गया। जो हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी, इसका नाम क्या होता है साइंटिफिक नेम? एलिफोंस इंडिका।
आम का क्या है, मैग्निफेरी इंडिका, ठीक है। और अब देख लो इसमें से फिर आता है पंचायती राज। पंचायती राज के बारे में जानेंगे कि कौन से इसके अनुच्छेद में है, कौन से भाग में है और कौन सा संविधान संशोधन में इसे लाया गया था, ये सब देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी है। पंचायती राज सबसे पहले ये जान लो कि 2 अक्टूबर 1959 में इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है। फिर आता है कि सबसे पहले इसे कहाँ पर लागू किया गया था, कौन से शहर में, कौन से स्टेट में और कौन सी समिति के दौरान, तो राजस्थान के नागौर ज़िले में सबसे पहले इसे लागू किया गया था। फिर था कौन सी कमेटी थी जिसने इसका प्रावधान दिया था, प्रस्तावित किया था, बलवंत राय कमेटी 1957। तो याद करने वाली क्या बात है इसमें, वो ये है कि पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 में शुभारंभ हुआ था राजस्थान के नागौर ज़िले में। और 73वें संविधान संशोधन भाग कौन सा है इसका, भाग जान लो, भाग है 9, जो कि अनुच्छेद 243 में क से अण तक या दिया गया है, इसके उल्लेख दिया गया। टोटल 16 अनुच्छेद हैं इसमें, तो 243 आपको याद रखना है, भाग याद रखना है, और अनुसूची 11 में, अनुसूची अभी इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है नागालैंड, दिल्ली, मेघालय, मिजोरम में कोई पंचायती राज नहीं चलता। 4 राज्य ऐसे हैं, खैर दिल्ली तो केंद्र प्रशासित है, लेकिन नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में कोई भी पंचायती राज सिस्टम नहीं है। आगे देखते हैं नगर पालिकाओं को। अभी तक हमने पंचायती राज देखा, जैसे पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन में था, भाग 9 में था, अनुसूची 11 में था, अनुच्छेद 243 में था, कहाँ से आना था। अब देखते हैं ये कौन सा देखेंगे अभी हम, नगर पालिका यानी 74वां संविधान संशोधन, भाग 9 का अनुच्छेद 243 से त से य यानी छ तक, और 12वीं अनुसूची आपको याद रखनी है, भाग 9 का में अनुच्छेद 243 ही है इसमें भी, लेकिन संशोधन 74वां है, ठीक है। और इसमें 18 विषय थे और अनुसूची कौन सी है, 12वीं, जैसे उसमें 11वीं थी। ये चीज़ भी जान लो कि स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपिन को कहा जाता है, ठीक है, लॉर्ड रिपिन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कब इन्होंने संकल्प लिया था, ये था 1882 में, लॉर्ड रिपिन का 1882 ईस्वी का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है। रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो संशोधन था, जैसे 73वां संविधान संशोधन था, तो ये 1993 में आया था, ये चीज़ भी याद रखनी है, ठीक है। फिर आता है कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, वैसे ज़्यादा नहीं है लेकिन जान लो, जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊँगा, अगर और कुछ भी इंपॉर्टेंट होगी तो अभी हमारी क्लासेस चली रही हैं, मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट दूंगा, और फिर जैसे ही हमारा ईवीएस का सिलेबस खत्म होगा तो क्लासेस जो है क्विज जो है रेगुलर आएंगे। पहले जान लो कि शून्यकाल क्या है, दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय, उसको हम शून्यकाल जानते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रश्नकाल देखो, दोनों सदन, राज्यसभा लोकसभा, इन दोनों सदन में जो स्टार्टिंग होने के बाद 1 घंटे का जो समय होता है उसे प्रश्नकाल बोलते हैं, और 1 घंटे के बाद का जो समय है वो हमारा शून्यकाल हो जाता है। आगे देखो कि अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में किसी भी भाग में संशोधित करने का अधिकार है, ये चीज़ जान लो कि अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग, 368 के अकॉर्डिंग भारत के संविधान में संसद जो है अपना संशोधन कर सकती है, सिर्फ संसद को अधिकार है, ना कोई, ठीक है, और किसी को नहीं है। आगे देखते हैं, अब ये देखो कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितने टाइम लगा था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, और ये कुछ इतना खर्चा हुआ था, ठीक है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ये चीज़ याद रखनी है। फिर 26 जनवरी 1949 को हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुसूचियां थी, कितने भाग थे, तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अब 12 हो चुकी है अनुसूची, अनुच्छेद भी 465 हो चुके हैं, ये 395 ही हैं, लेकिन जो 465 है ना, ये इनमें भाग आ गए हैं, तो 465 अनुच्छेद हो चुके हैं। अगर एग्जाम में लिखा था कि आप कितने हैं, अगर ऑप्शन 465 है तो आपको डालना पड़ेगा, और भाग हमारे कितने हैं, 22 भाग हैं, आई थिंक 22 नहीं है, मुझे लगता है कि शायद 25 भाग हैं, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ या फिर गलत हो तो मुझे करेक्ट ज़रूर करना कमेंट में लिख के, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, जो हमारी संविधान की प्रस्तावना होती है ना, जिसे उद्देशिका बोलते हैं, वो हम उसको संविधान की कुंजी भी कहा जा सकता है। अब ये जान लो कि कौन से संविधान संशोधन में प्रस्तावना, देखो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बता रहा हूँ, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमारी उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखते हैं अनुच्छेद 350 क में क्या है,
प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। देखो अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि 350 का में कि जो प्राइमरी लेवल पे मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी, और 370 का आपको बताइए जम्मू और कश्मीर का को विशेष प्रावधान प्राप्त है, यानी उसके अलग कानून है, उसके अलग नियम है 370 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखते हैं आगे। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी कि कौन कौन से हमारे भारतीय संविधान में जो पॉइंट्स हैं, जो कुछ जैसे मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और मौलिक कर्तव्य कौन कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं वो जानेंगे। अब सबसे पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका से हमें क्या लिया गया है। सबसे पहले जान लो कि अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन ठीक है किस प्रकार से होता है, या फिर उसका महाभियोग किस तरीके से चलाया जाएगा वो भी अमेरिका से है। उच्चतम और उच्च न्यायालयों की हटाने की विधि, यानी उसके न्यायाधीशों को हटाने की विधि भी अमेरिका से ली गई है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अमेरिका मौलिक अधिकार, ये चीज़ पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर है ब्रिटेन से क्या ली गई है, संसदात्मक शासन प्रणाली, यानी जो संसद है हमारे दोनों उसमें किस तरीके से शासन किया जाएगा, तो हमारा ब्रिटेन से लिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 200 साल अंग्रेजों ने ही राज किया हमारे ऊपर, तो उन्होंने किस प्रकार से संसद की शासन किस तरीके से चलाया वो सब हमारे फिर से थोप गए, और हमने उनसे फिर से ले लिया यही चीज़ शासन प्रणाली और एकक नागरिकता भी। तो ब्रिटेन से तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है, मैं धीरे धीरे सबको याद कराऊंगा। आयरलैंड से क्या है, आयरलैंड से लिए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची, सिर्फ इतना जान लो कि ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। ठीक है, फिर है जर्मनी, जर्मनी का तो मैं अच्छे से याद करवा दूंगा। देखो जर्मनी से आपातकाल, जर्मनी का वर्ड कहाँ से है, जर्म से, जर्म क्या होते हैं कीटाणु जो हमें शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं, क्षति पहुँचाते हैं, फिर बीमार करते हैं, और आपातकाल आ जाती है उस वक्त क्योंकि हमारे इमरजेंसी आ जाती है, हम बीमार होते हैं, तो जर्मनी में जर्म से आया और जर्मनी से फिर हमें कौन सा मिला है, यह है आपातकाल। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, ईजी है। फिर देखते हैं कनाडा से, कनाडा से क्या चीज़ है, संघात्मक विशेषताएं, आपको याद क्या रखनी है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस तरीके से किया गया, तो वो हमने कनाडा से लिया गया। फिर है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये कहाँ से ली गई है, ये अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका, यानी संविधान संशोधन, यानी किस प्रकार से संसद संविधान में संशोधन ला सकती है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, वो सब कैसे ली गई, अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर है रूस, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से, कर्तव्य रूस से यानी कि रशिया से। फिर आता है जापान से, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमारी जापान से ली गई है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं होती, समझ के भी करना होता है, कई बार ऐसा होता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने एग्जाम के पर्पज़ से ही लिखी हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1935 को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, यानी सारे के सारे जितने भी अनुच्छेद थे, जितने भी प्रावधान थे, वो ज़्यादातर हमारे 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम था वहीं से लिए गए थे। उसके बाद में भी और भी जोड़े गए हैं, लेकिन ज़्यादातर 1935 में ही बन गए थे हमारे सारे अनुच्छेद। ठीक है, अब देखते हैं कि भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब अनुसूचियों के बारे में जानो, भारतीय संविधान की अनुसूची, सबसे पहले इसे हम ट्रिक से याद करेंगे। देखिए सबसे पहले अनुसूची में क्या है कि राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेशों का उल्लेख, देखिए याद रखिए कि ये सब बाद में हमारे देश आज़ाद होने के बाद ही ये सब चीज़ें बनी हैं, अनुसूचियाँ या फिर ये जो भी हमारे अधिकार हैं, ठीक है, और जितने भी संशोधन हुए हैं, तो किस तरीके से याद रखेंगे इसे हम। सबसे पहले स्टार्टिंग में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें राज्यों की ज़रूरत थी और उसमें केंद्र प्रशासित प्रदेशों की ज़रूरत थी, तो सबसे पहले इन चीज़ों को हमें निर्माण किया गया। तो ये ट्रिक है एक तरीके से याद रखने की। तो पहली अनुसूची में ये था कि राज्य आएंगे और उनके केंद्र प्रशासित प्रदेश आएंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ भी जान लो कि 61वें संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था, ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, याद भी करनी पड़ेगी कि संविधान संशोधन 61वें में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था। चलिए फिर आता है, अभी तक हमने प्रथम अनुसूची में राज्य और यूनियन टेरिटरीज बन चुकी हैं, अब क्या होगा कि अब जब वो चीज़ बन गई हैं, ठीक है, अब उनमें कोई अधिकारी भी होंगे तो उन्हें फिर वेतन की रिक्वायरमेंट भी रहेगी, है ना, तो वो कहेंगे कि भाई हम फ्री में तो काम करेंगे नहीं, तो हमें क्या चाहिए, अब हमें उनका वेतन भी देना है। तो द्वितीय में क्या हो गया, दूसरी अनुसूची में क्या हो गया, ये हो गया हमारा जितने भी वेतन है हमारे, ठीक है,
यानी कि जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सब के जो है प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। यानी कि जब राज्य और हमारे केंद्र प्रशासित देश बन गए तो उनके बाद उसमें जो अधिकारी हैं उनको वेतन भी देना पड़ेगा, ठीक है। फिर अब जब वेतन मिल गया तो तृतीय में क्या है, जो तीसरी जो अनुसूची है इसमें है कि शपथ। अब उन्हें वेतन की प्रावधान उल्लेख हो गया, अब उनसे शपथ दिलाएंगे कि भाई अगर तुम वेतन ले रहे हो हमसे तो आपको काम भी पूर्ण रूप से पूरी निष्ठा से करना होगा, ठीक है। तो शपथ ली अब उन्होंने। अब उसके बाद क्या हुआ कि चौथी अनुसूची में, अब चौथी में क्या हुआ, राज्यसभा के प्रतिनिधियों का विवरण हुआ, यानी कि विभिन्न राज्य और संघीय क्षेत्रों में। यानी अब वो पूरा खुद से तो काम कर नहीं सकते, जितने भी सदस्य हैं अब उन्हें और भी सदस्य चाहिए, तो राज्यसभा के सदस्य हो गए। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों का उल्लेख किया गया। फिर आता है पांचवी में। पांचवी में क्या है कि अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC और ST की, इन सब के क्या है, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है, ठीक है, SC और ST के, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो समझ में आया, अब कुछ चीज़ें बिना ट्रिक के भी याद रखो, जैसे कि पांचवी SC और ST का विवरण है। अब छठी में क्या है, छठी में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों में के प्रशासन के बारे में, क्योंकि ये जनजाति क्षेत्र है, इनमें सबसे ज़्यादा रहती हैं जनजातियाँ, तो इन सब के बारे में विवरण है कि किस प्रकार से उनका रहन सहन रहेगा, उन पर कौन से कानून नियम लगाए जाएंगे या फिर संशोधन किए जाएंगे, ठीक है। तो वो सब क्या है, छठी में, छठी अनुसूची में, यानी सिक्स्थ में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। स्टेट्स के नाम कई बार कंफ्यूज करने के लिए बोल देता है कि ऑप्शन दे देगा, कि एक तीसरा ऑप्शन दे देगा कि क्या ये पंजाब में भी लागू है, तो आपको यही चीज़ याद रख लो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों में ही जनजातियों का विवरण है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। जैसे कि ATMM है ना, ATM से याद रख सकते हो, ATMM, M से मेघालय, M से मिजोरम और T से त्रिपुरा, A से असम। फिर आया सातवीं में, क्या है, देखो सातवीं में सूचियों का उल्लेख है, क्योंकि सूचियाँ मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो सूचियाँ सात से सूची और सात सात से सातवीं भी, तो सूचियाँ कितनी हमारी, तीन है। अनुसूचियाँ कितनी है, 12 हैं, ठीक है। सूचियाँ और अनुसूची में कन्फ्यूज़ नहीं होना, कि अगर मान लो कि क्वेश्चन आता है कि हमारे संविधान में कितनी सूचियां हैं, तो सूचियां में और ऑप्शन दिया होगा 4, 3, 12 और 13, तो एकदम डायरेक्ट मत लगा देना 12, उससे क्या होगा कि आप अनुसूची लगा रहे होगे, बल्कि अनुसूची 12 होती है और सूचियां 3 होती हैं। सूचियां जो 3 हैं वो हैं संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, वो मैं पहले बता चुका हूँ। इसके बाद क्या हुआ, भाषा, यानी 22 भाषाओं का विवरण है, और मूल रूप से सिर्फ 14 भाषाएँ थी, उसके बाद संशोधन किए गए थे 3, जो मैंने इसी वीडियो में ट्रिक भी बताई थी कैसे याद रखनी है। आगे देखते हैं नौवीं में क्या है, अनुसूची में भूमि सुधार कानून, यानी कि भूमि सुधार कानून, किस तरीके से भूमि आपने खरीदी, आपने बेची, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से कानून है, क्या क्या प्रक्रिया, उस सब जो है नौवीं अनुसूची में है। फिर आता है दसवीं अनुसूची, जैसे 10 से 10वीं और 10 से दल बदल, यानी कोई भी विधायक है, कोई भी MLA MP, अगर उसे पार्टी बदलनी है तो दल बदल उसमें कानून किया गया। और ये सूची कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी, 52वें में, ये चीज़ आपको याद रखनी है, 10 से 10वीं सूची और 10 से दल बदल। चलिए आगे देखते हैं, देखो 11वीं और 12वीं अनुसूची मैंने इसमें इंक्लूड कर दी है, ठीक है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं 11वीं में पंचायती राज है और 12वीं में नगर पालिका, अभी पढ़ा था। इसमें 73वें संविधान संशोधन और इसमें 74वां भाग, 9 अनुसूची, 11 और 12, ठीक है। तो आई थिंक यहीं पर वीडियो एंड होती है। तो प्लेंस फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर करो वीडियो को, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो वीडियो बनाने में मेहनत लगती है और सब हम आपके लिए ही कर रहे हैं, ताकि आपके जो अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ यूपी टेट में और सुपर टेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम होता है, अगर उसमें पॉलिटी पूछी जाती है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इस वीडियो में मैंने कम से कम 90% कवर पॉलिटी इसमें कर दी है। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें ही याद रखनी है, पूरी पूरी डिटेल में हम कोई IAS की तैयारी तो नहीं कर रहे, तो इसलिए बोलता हूँ कि जो भी मैंने कराया इस वीडियो में उसे करना। और संडे में यानी कि कल एक और मेगा क्विज आएगी, वो भी आपको अच्छे से सॉल्व करनी है। उसमें भी जैसे कि इसमें बोल रहा हूँ कि 90% पॉलिटी कवर हो गई है, अब जो 10% बची है, जो थोड़ी बहुत जो कुछ रह जाते हैं क्वेश्चन, अब उन्हें मैं क्विज के थ्रू कराऊंगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ गुड डे एंड बाय। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक करें बिना मत जाना, और बेल आइकन को जरूर दबा देना कि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। हैव अ गुड डे एंड बाय।